हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, हम राधा रानी का लहंगा बनाएंगे। गाजरी कलर की नेट से चांद बूटी लगाकर हम राधा रानी का सुंदर सा लहंगा तैयार करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर फ्यूजी ले लेते हैं, पेपर पेस्टिंग बोलते हैं इसको। और देखिए, इसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इसका ये कॉर्नर है, ऐसे एक साइड से इधर से इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे एक चौकोर रुमाल होता है और रुमाल को हम ऐसे तिकोना करके मोड़ते हैं। इस तरह से इसको यहाँ से मोड़ लेते हैं। अब मोड़ने के बाद इसको मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। यहाँ से हम ऊपर से 3 इंच का निशान लगाते हैं इसकी कमर का, तो 3 का आधा हुआ 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा 1.5 इंच पर मार्क हो गया। अब हमें इसकी जो लहंगे की लंबाई रखनी है वो 1.25 इंच रखनी है, तो यहाँ से 1.25 पर निशान लगा लेते हैं। और पहले हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा घेरा कितना बनाना है। हमें घेरा बनाना है 11 इंच, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से 1.25 पर, और यहाँ से 1.25 पर, और यहाँ से 1.25 इंच पर, और जो कॉर्नर पर है यहाँ पर भी 1.25 इंच पर। इस तरह से हम इस पर इस निशान को मिला लेते हैं। अब देखिए, हमारा यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, हमें 11 इंच का घेरा चाहिए और ये पूरा 5.5 है, 11 इंच का आधा 5.5 इंच। अब हमें यहाँ से ये कटिंग करनी है और यहाँ से ये कटिंग। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं इसको, हल्का सा ऊपर गोलाई कर लेते हैं, नीचे नहीं करनी है, यहाँ से ऊपर की साइड करनी है। इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा घेरा देखिए इस तरह से कट के तैयार हो गया। अब हम कपड़ा लेते हैं, एक अस्तर का कपड़ा, और जो शाइनिंग वाली साइड है इसको कपड़े के ऊपर ऐसे रखकर इसे प्रेस से चिपका लेते हैं। कपड़ा पेस्ट करने के बाद इसी साइज का एक कपड़ा हमने और कट कर लिया और उसको दूसरी साइड रखकर इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई कर ली। इसको करने के बाद हम इसको यहाँ से इसका मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारा ये 1.25 इंच है, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नेट की पट्टी कट कर लेते हैं। ये मैंने 5.5 इंच की पट्टी कट की है, 5.5 इंच चौड़ी, और पूरे अर्ज की एक पट्टी कट कर ली। इसको कट करने के बाद हम इसके ऊपर प्लेट्स लगाते हैं, ऐसे पूरी पट्टी पर प्लेट्स लगाकर यहाँ से स्टिच करते जाते हैं। और फिर इसको यहाँ इस लहंगे की कमर पर रखकर यहाँ से सिलाई कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं। कमर पर सिलने के बाद हम नीचे से इसकी सारी प्लेट्स सेट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, एक एक प्लेट सेट करते जाते हैं और नीचे पूरी किनारी पर यहाँ से सिलाई कर लेते हैं सारी प्लेट्स को सेट करके। और किनारी पर सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट बाहर की साइड निकलती है उसको कट कर देते हैं। इसको कट करने के बाद अब जो ये 3 साइड हैं, एक ये वाली और एक ये और एक ये, इन तीनों को हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। यहाँ से लॉक करते हुए जाते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पर कॉर्नर बना लेते हैं। और इस तरह से देखिए, ऐसे मोड़कर यहाँ पर कॉर्नर बना लेते हैं और इस तरह से करते हुए तीनों साइडों को लॉक कर लेते हैं। इस तरह से लॉक करने के बाद अब हमें इसके ऊपर नेफा लगाना है यहाँ पर, तो एक नेट की पट्टी कट कर लेते हैं। मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको ऐसे डबल मोड़ लेते हैं और डबल मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद लहंगे को ऐसे उल्टा रखते हैं और यहाँ से इसको इस तरह से इस कमर पर सिल लेते हैं, तो इतना काम कर लेते हैं। इस तरह से नेफा सिलने के बाद इसके अंदर हमें डोरी लगानी है, तो ऐसे डोरी अंदर रख देते हैं और इस नेफे को पहले थोड़ा सा ऊपर से ऐसे मोड़ते हैं और फिर एक बार और ऐसे मोड़ लेते हैं और इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाते हैं। इसको सिलने के बाद अब हम चुनरी तैयार कर लेते हैं। चुनरी बनाने के लिए नेट की पट्टी कट कर लेते हैं। इसकी लंबाई ली है मैंने 11 इंच और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच। अब एक लेस ले लेते हैं, और देखिए मैंने मैचिंग की लेस ली है गाजरी कलर की। इसको यहाँ पर ऐसे सिलते हुए जाते हैं और यहाँ से फिर कॉर्नर बना लेते हैं इस तरह से, फिर यहाँ से सिल लेते हैं इस तरह से, चारों तरफ इस चुनरी पर इस लेस को सिल लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें लहंगे में चोली लगानी है, तो चोली लगाने के लिए मैंने एक पट्टी सिल ली
और इसको सिलने के बाद जैसे यहाँ से टिश्यू टेप से लॉक किया था ऐसे ही इसको लॉक कर लिया। और इसके बाद इसको हम दो भाग में कट कर देते हैं, देखिए इस तरह से कट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इसको सिल लेते हैं, यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारे इसका लहंगे का सेंटर है वहाँ पर इसको रखकर इस तरह से सिल देते हैं, तो ये हमारी चोली बन करके तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद हम इस पोशाक को डेकोरेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राधा रानी का लहंगा और ये राधा रानी की चुनरी, इस तरह से देखिए हमने इस पे साइड में लटकन लगाई है, दोनों साइड आगे की साइड और बीच में ये कैरी लगाई है। तो ये चुनरी और ये लहंगा कैसा लगा फ्रेंड्स आपको? पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। Thank you for watching.